दो दोस्त थे, राहुल और करण। दोनों ने एक दिन डिसाइड किया कि गोल्ड खरीदते हैं। फिर उनको पता चला कि गोल्डिफाई पे फर्स्ट 10 कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट चल रहा है। सो राहुल ने जैसे ही बुक किया, उसका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, जबकि करण का बुकिंग कुछ ही समय के अंदर सक्सेसफुल हो गया और वो उन 10 लकी कस्टमर्स में से एक बन गया। तो राहुल ने करण से पूछा कि उसका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कैसे और मेरा ट्रांजैक्शन फेल क्यों हुआ। तो करण ने उसे समझाया कि मैंने जी टोकन यूज किया, जो एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है। जिस पे राहुल ने पूछा कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और उसे यूज कैसे करते हैं। करण ने उसे बताया कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल डिजिटल करेंसी है, जो कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसका इस्तेमाल करके हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो पहली बार 2008 में सतोशी नाकामोटो ने इंट्रोड्यूस किया था। राहुल को लगा कि ये बाकी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस के जैसे ही है, तो इसमें अलग क्या है। तो करण ने उसे समझाया कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती है, इसमें किसी तीसरे का कोई लेना देना नहीं होता, जैसे कि गवर्नमेंट या बैंक, और इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस कभी फेल नहीं होते। काफी सारी वजह होती है जिससे ट्रांजैक्शन फेल होते हैं, जैसे कि अकाउंट की ट्रांसफर लिमिट खत्म हो गई, अकाउंट का हैक होना, बैंक का सर्वर डाउन होना और ट्रांजैक्शन पर हाई बैंक चार्जेस की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पर चार्जेस ना के बराबर होते हैं, कोई ट्रांसफर लिमिट नहीं होती और हम इसको 24/7 यूज करते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि बिना कोई पेपर वर्क के हम इसे यूज कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि किसी भी डिजिटल क्रिप्टो वॉलेट पर अपना अकाउंट बनाना है। इन सब से राहुल बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने तुरंत अपना एक क्रिप्टो डिजिटल वॉलेट अकाउंट बना लिया और उसने अपने ट्रांजैक्शन की शुरुआत गोल्डिफाई से गोल्ड बुक करने से की, बट सैडली विद नो डिस्काउंट।